ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे समय हो रही है जब भारत कई ऐतिहासिक निर्णयों का साक्षी बना है। एक दिन पहले ही भारत की संसद ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कानून पास किया। नारी शक्ति वंदन कानून भारत में विमेन लेड डेवलपमेंट की नई दिशा देगा, नई ऊर्जा देगा। कुछ ही दिनों पहले ही G20 के ऐतिहासिक आयोजन में दुनिया ने हमारी डेमोक्रेसी, हमारी डेमोग्राफी और हमारी डिप्लोमेसी की झलक भी देखी। एक महीने पहले आज के ही दिन भारत चंद्रमा के साउथ पोल के समीप पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। ऐसी अनेक उपलब्धियों के आत्मविश्वास से भरा भारत आज 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहा है और निश्चित तौर पर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत को एक मजबूत, निष्पक्ष, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था का आधार चाहिए। मुझे विश्वास है इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस इस दिशा में भारत के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। मैं आशा करता हूं कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी देश एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस से काफी कुछ सीख सकेंगे। फ्रेंड्स, 21वीं सदी में आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो डीपली कनेक्टेड है। हर लीगल माइंड या इंस्टीट्यूशन अपने ज्यूरिडिक्शन को लेकर बहुत सचेत है, लेकिन ऐसी कई ताकतें हैं जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, वो बॉर्डर्स या ज्यूरिडिक्शंस की परवाह नहीं करती। और जब खतरे ग्लोबल है तो उनसे निपटने का तरीका भी ग्लोबल होना चाहिए। साइबर टेररिज्म हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो और इसके दुरुपयोग की भरपूर संभावनाएं हो, ऐसे अनेक मुद्दों पर सहयोग के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना सिर्फ किसी शासन या सरकार से जुड़ा मामला नहीं है। इसके लिए अलग अलग देशों के लीगल फ्रेमवर्क को भी एक दूसरे से जुड़ना होगा। जैसे हम एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए मिलकर काम करते हैं, कोई देश ये नहीं कहता तुम्हारा तुम्हारा कानून, तुम्हारे यहां मेरा कानून, मेरे यहां जी नहीं, फिर किसी का जहाज उतरेगा ही नहीं। हर कोई कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोटोकॉल्स का पालन करता है। उसी तरह हमें अलग अलग डोमेन में ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना ही पड़ेगा। इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस इस दिशा में अवश्य मंथन करना चाहिए, दुनिया को नई दिशा देनी चाहिए। साथियों, एक अहम विषय अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ADR का है। तुषार जी ने इसका काफी वर्णन भी किया। कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन की बढ़ती कॉम्प्लेक्सिटी के साथ दुनिया भर में ADR का चलन भी तेजी से बढ़ा है।
मुझे बताया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में इस विषय पर भी विस्तार से बात होने वाली है। भारत में तो सदियों से पंचायत के जरिए विवादों के निपटारे की व्यवस्था रही है, हमारे संस्कार में रहा है। इस इनफॉर्मल व्यवस्था को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए भी भारत सरकार ने मीडिएशन एक्ट बनाया है। भारत में लोक अदालत की व्यवस्था भी विवादों को हल करने की दिशा में बड़ा माध्यम है। और मुझे याद है, मैं जब गुजरात में था तो एवरेज एक मामला का न्याय होने तक सिर्फ 35 पैसे का खर्च होता था, 35 पैसे। यानी ये व्यवस्था हमारे देश में होती है। पिछले 6 साल में करीब 7 लाख केसेस को लोक अदालतों में सुलझाया गया है। साथियों, जस्टिस डिलीवरी का एक और बड़ा पहलू है जिसकी चर्चा बहुत कम हो पाती है, वो है भाषा और कानून की सरलता। अब हम भारत सरकार में भी सोच रहे हैं कि कानून दो प्रकार से प्रस्तुत किए जाए। एक जिस भाषा पे आप लोग के आदि हैं वो वाला ड्राफ्ट होगा, और दूसरा देश का सामान्य मानवी समझ सके ऐसी भाषा। उसको कानून भी अपना लगना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं, मुझे भी क्योंकि सिस्टम भी उसी ढांचे में पली बड़ी है तो उसको बाहर निकालते निकालते, लेकिन हो सकता है कि अभी मुझे काफी काम है, मेरे पास समय भी बहुत है तो मैं करता रहूंगा। कानून किस भाषा में लिखे जा रहे हैं, अदालती कार्यवाही की भाषा में हो रही है, ये बात न्याय सुनिश्चित कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। पहले किसी भी लॉ के ड्राफ्टिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती थी। सरकार के तौर पर अब हम भारत में नए कानून, जैसा मैंने आपको कहा, दो प्रकार से और जितना ज्यादा हम सरल बना सके और हो सके उतना भारतीय भाषाओं में उपलब्ध करा सके, उस दिशा में हम बहुत सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं। डेटा प्रोटेक्शन लॉ आपने देखा होगा, उसमें ये सिंप्लीफिकेशन का हमने एक पहली शुरुआत की है, और मैं पक्का मानता हूं कि सामान्य व्यक्ति को उस परिभाषा से सुविधा रहेगी। भारत की न्याय व्यवस्था में मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, और मैं चंद्रचूड़ जी का पब्लिकली मैंने एक बार अभिनंदन किया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब कोर्ट जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट जो लिटिगेंट है उसकी भाषा में हम उपलब्ध कराएंगे। देखिए, इतने से काम में 75 साल लग गए, और ऐसे के लिए इसके लिए भी मुझे आना पड़ा। मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए बधाई दूंगा कि उसने अपने फैसलों को कई स्थानीय भाषाओं में भी अनुवाद करने की व्यवस्था की है। इससे भी भारत के सामान्य व्यक्ति को बहुत मदद मिलेगी। कोई पेशेंट हो ना, अगर डॉक्टर भी पेशेंट की भाषा में उसे बात करे तो आधी बीमारी यूं ही ठीक हो जाती है। बस यहां ये मामला बाकी है। साथियों, हम टेक्नोलॉजी से, रिफॉर्म से,
न्यू ज्यूडिशियल प्रैक्टिसेस से कानूनी प्रक्रिया को कैसे और अच्छा कर सकते हैं, इस पर निरंतर काम होना चाहिए। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ने ज्यूडिशियरी सिस्टम के सामने बड़े एवेन्यूज बना दिए हैं। थोड़े से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने ही हमारे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और कॉमर्स सेक्टर को बहुत बड़ा बूम दिया है। ऐसे में लीगल प्रोफेशनल से जुड़े लोगों को भी इस टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म से ज्यादा जुड़ना होगा। मैं आशा करता हूं कि इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस न्यायिक व्यवस्थाओं के प्रति पूरी दुनिया का विश्वास बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। मैं इस आयोजन से जुड़े हर व्यक्ति को इस सफल कार्यक्रम के लिए अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन में पीएम मोदी को आपने सुना।